नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हैसल हो रहे हो रिगार्डिंग नीट रीअपियरिंग, क्योंकि कोई शक की बात नहीं है। अदर देन दैट सवाई माधोपुर इंसिडेंस, अब तो ये साबित हो चुका है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और तकरीबन एग्जैक्टली 20 बच्चों को पेपर बेचा गया था 50-50 लाख रुपये लेके। और जैसे वो पिक्चर आई थी ना सेटर्स श्रेयस तलपड़े की, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई 50 लाख × 20 इज़ गुड 10 करोड़, और 10 करोड़ का एक अमाउंट था। और जैसा भी उन्होंने किया था, उसकी डिटेल तो खैर किसी आर्टिकल में नहीं आई है कि व्हाट मोडस ऑपरेंडी दे हैव फॉलोड, लेकिन अब ये है कि पकड़े जा चुके हैं। तो चूँकि 20 लोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, आई एम श्योर कि उनके पेपर्स को 0 मार्क कर दिया जाएगा रिजल्ट आने से पहले, या लोएस्ट मार्क दे दिया जाएगा, नॉट इवन 0। दैट इज़ समथिंग विच विल बी डिस्कस्ड इंटरनली। बट मेरा अभी भी मानना है, देखिए नीट बहुत बड़ा पेपर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम है, स्पेशली जब ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। और अगर ऐसी न्यूज़ आ जाए ना कि भाई बहुत जगह लीक हुआ है, अननोन जगह लीक हुआ है, और एक कोर्ट को ये पता चल जाएगा कि मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल लीक हुआ है, जैसा कि अक्सर वो जॉब्स को लेके होता है कि जब हम न्यूज़ सुनते हैं कि फलाना रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हो गया, या होता रहता है ना कि भाई सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो गया, क्योंकि वो लीक समझ लीजिए इट्स अ फार लार्जर स्केल, और गवर्नमेंट खुद ही उसको कैंसिल कर देती है बिकॉज दे गेट टू नो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब मैं चूँकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बियॉन्ड अ काउंसलर, हमारी बैकग्राउंड ऐसा है कि वी आर ऑल्सो अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई एम एक्चुअली, एंड सम दैट्स वाई यू लुक एट प्रैक्टिकल थिंग्स। और वो प्रैक्टिकलिटी यही है कि जब तक कोर्ट इस चीज़ में कन्विंस नहीं होगा कि द लीकेज ऑफ पेपर वॉज वाइड स्प्रेड एंड इट हैज़ बीन अननोन, तो आपने एक पर्टिकुलर गैंग को पकड़ ही लिया है, उस गैंग ने साबित से जितने बच्चों को दिया गया था उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया गया। सिमिलरली सफाई माधोपुर में जिन बच्चों को इफेक्ट हुआ था उनका पेपर तो प्रैक्टिकली उसी दिन या अगले दिन ले लिया गया था। तो जब यह सब हो चुका है तो उसके बाद इतना बड़े पेपर को रिकंडक्ट करने का जिम्मा कोई नहीं उठाएगा। तो फिर ना मुझे कई लोगों ने कहा कि सर बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, एक ने तो डेट भी बता दिया कि 14 जुलाई को नीट होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आप उन वीडियो के टाइटल को देखें तो टाइटल ऐसे लिखा हुआ था कि री नीट 14 जुलाई को, पर वीडियो के अंदर ही सेम काउंसलर या एजेंट या जो भी वक्ता थे वो कहते हैं कि ऐसा मेरा सोचना है, कोई पक्की खबर नहीं है, कुछ कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो बेसिकली वो ना देखिए तो मेरे एक्चुअली क्लाइंट्स के फ़ोन आने लग गए और फिर मुझे उनको टाइम स्पेंड देने करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि देखिए फिर से जैसा मैंने कहा कि आई एम ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई एम ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो जो नए खिलाड़ी हैं मैदान में या कुछ भी हैं, खिलाड़ी मतलब मैं फ्रॉम द एजेंट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो सब चाहते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल चल जाए, हिट हो जाए। तो समटाइम ना ये यूट्यूब पे या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाने की चाल होती है कि आप ऐसा टाइटल ऐसा वो दिखाओ कि जिसको देखते ही आप यू नो मोटिवेटेड हो जाओ। कि जैसे आप टाइटल देखो यूट्यूब पे, अपना फ़ोन आपने खोला हुआ है या लैपटॉप खोला हुआ है कि आप क्लिक करो, आप सुनो, और लास्ट में पता चलता है कि भाई कोई कन्फर्म न्यूज़ तो है नहीं। तो इसीलिए फ्रॉम माई साइड एंड विद माई मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल, यू नो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। ओके, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कंडक्ट द नीट एग्ज़ाम अगेन, क्योंकि जैसा आपने देखा जो 5 मई को हमने करा है उसी प्रिपरेशन कितने टाइम पहले स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि आइडेंटिफाई किया जा चुका है कहाँ का हुआ है, तो उसको रोक दिया जाएगा, उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन 24 लाख बच्चों को दोबारा इकट्ठा करना, अब देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे भी कमेंट आ रहे हैं ना विद देम, स्पेशली वो कमेंट जो कहते हैं कि रीनीट होना चाहिए, दीज आर द किड्स जिनके खुद के नंबर अभी कम बन रहे हैं, पेपर में गलती हो गई या मेहनत में कमी रह गई थी, बट तैयारी थी 500 की, पेपर वाले दिन गड़बड़ हो गई 200 नंबर। देखिए उनकी लीकेज से आपके एग्ज़ाम पर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन बच्चों को भाना मिल जाता है तो बच्चों को भी लगता है कि शायद हमें एक और अटैम्प्ट मिल जाए और उस दिन जो गलती हो जाए उस गलती को सुधारने का मौका मिल जाए। बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, मेरे हिसाब से आई कैन काइंड ऑफ गारंटी यू, अश्योर यू कि नीट दोबारा नहीं होगा। तो फिर भी देखिए मतलब कि अगर आपको 1% चांस लेना है, तो जो हमेशा हमारे क्लाइंट होते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट तो वैसे ही खाली है, क्योंकि जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था
उसका मेन पेपर नीट था, अब CUT आ गया। अगर मैं बहुत सेंट्रल लेवल पे बात करूँ, जो कल से ही स्टार्ट हो रहा है और 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप में से कई लोग हैं जो बैकअप के लिए CUT का एग्ज़ाम भी लेते हैं, तो ले लीजिए, फिर दोबारा नीट की तैयारी कर लीजिए। एनीवे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो जिंदगी भर काम आती है, स्पेशली केमिस्ट्री बायोलॉजी जब आप कोई मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्स लेते हैं। और बच्चों को वहाँ ध्यान रखिए, और एज ए पेरेंट यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर नीट दोबारा नहीं हुआ तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है, आप खुद से बना रहे हैं, किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं, अब वैसा काम कीजिए। और आपकी तसल्ली के लिए जब तक ये दुविधा है भाई, फिर मैंने कहा ना कि बजाय के सोचने के प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं, तो बच्चों से बोलो पढ़ाई करो, और पेरेंट्स का काम है कि वो काउंसलर्स के टच में रहें, अपने आप करें, मनी का इंतज़ाम करके रखें, जो भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, सो दैट यू आर एबल टू डू योर वर्क। ओके, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और आप जानते ही हमारा नंबर 9643362320। धन्यवाद, टेक केयर।